हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अनिका और सीरत की लव स्टोरी में। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि अनिका बहुत ही क्यूट वे में, बहुत ही रोमांटिक वे में सीरत से सारे सच उगलवा लेती है, और जैसे उसे पता चलता है तो वो सीरत को धक्का दे देती है और कहती है तुम बाहर आओ ज़रा। सीरत बहुत घबरा जाती है, बहुत डर जाती है और वो पीछे पीछे जाती है अनिका के। तो इनका जब नीचे पहुंचती है तो सबसे कहती है हाँ क्या चल रहा था, कौन सी पार्टी, डांसर देखने जाना है तुम लोगों को। हाँ तो उसके दोस्त बोलते हैं सीरत को, तेरे पेट में एक बात नहीं पसती ना, तेरे को आज से ना कहीं लेके जाना ही नहीं है, हद हो गई है यार तुम्हारी, एक बात नहीं पचा सकती हो तुम अपने पेट में। तो अनिका बोलती है मैं बताती हूँ पेट में बात कैसे पचाते हैं, इस बात को मैं बताती हूँ। तो वो कहते हैं तुम लोगों ने खाना नहीं खाया है ना, तो वो लोग चुप खड़े होते हैं। तो अनिका कहती है बोलो खाना खाया है या नहीं खाया है, तो तीनों बोलते हैं नहीं नहीं खाया। तो कह क्यों नहीं खाया, पार्टी में जाना था वहाँ खाना था, डांसर को देखते देखते खाना था ना, है ना। तो वो चुप होती, तीनों के तीनों चुप होते हैं। तो अनिका कहती है जितना पूछ रही हूँ उसका सीधा सीधा जवाब दो, समझ आया। तो पीयू का तो तुरंत फ़ोन आ जाता है, तो वो कहती है अनिका प्लीज़ अर्जेंट कॉल है, प्लीज़ अटेंड करने दो प्लीज़। तो अनिका बोलती है जाओ अटेंड करो। तो वो जाती है और कॉल अटेंड करती है, और फिर वो अनिका को बोलती है यार आई हैव टू गो, बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ मुझे जाने दो, तुम्हारी पनिशमेंट बाद में देख लूँगी, अभी मुझे जाने दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो अनिका का इतना वो भी नहीं रहता उसके साथ, तो उसे बोल देती है ठीक है जाओ, लेकिन आइंदा से ऐसी हरकत करने से पहले ना 10 बार सोच लेना, वैसे बोलती है। तो फिर वो चुप हो जाती है, कहती हाँ हाँ पक्का श्योर, और ये कह के वहाँ से चली जाती है। अब रेहाना और शिखा दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते हैं कि कौन बचाएगा अनिका से हमें, और सीरत तो पीछे खड़ी होती है। तो सीरत चुपचाप वहाँ से जाने लगती है धीरे धीरे करके। तो जो है अनिका की नज़र सीरत पे पड़ती है, वो पीछे से ही उसका जो है कॉलर पकड़ती है और उसे अपनी साइड खींचती है। तो सीरत एकदम लड़खड़ाते हुए उसके आगे आके खड़ी हो जाती है। तो अनिका कहती कहाँ कहाँ जा रही हो तुम, तुम्हें तो मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें देखो तुम्हारी मैं क्या हालत करती हूँ, डांसर देखने है ना तुम्हें, हाँ तुम्हें तो डांसर मैं दिखवाती हूँ, वो भी अच्छी वाले डांसर, ये तो तुमने ऐसी वैसी देखी होंगी ना, मैं तुम्हें यहाँ अच्छा सा डांस दिखाती हूँ, अभी देखो तुम्हारे लिए यहाँ पे पूरा मैं खाना तैयार किया जाएगा, शवाब शराब दोनों पेश की जाएगी तुम्हारे आगे। तो सीरत कहते वो सॉरी यार मेरा वो मतलब नहीं था, हाँ ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम, प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात सुनो ना। तो अनिका बोलती है कि बस बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी, शांति से खड़े रहो यहाँ पे। यार ऐसी कोई बात नहीं है, बात तो सुनो ना। तो अनिका कहती बस अभी तुम चुप रहो, पहले मैं इन दोनों को देखती हूँ उसके बाद मैं तुमसे बात करती हूँ। तो सीरत चुपचाप वहाँ खड़ी हो जाती है। तो शिखा कहती है खुद तो मरी मरी और हमें भी मरवा दिया इन्होंने, वो रियाना से ऐसे बोलती है। तो रियाना बोलती है अभी ये मत सोचो, अभी ये सोचो कि इनके गुस्से से बचा कैसे जाएगा, सीरत का तो क्या हाल होगा, ये तो हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन ये हमारा क्या हाल करेंगी वो सोचो पहले, कैसे होगा। मैं तो अभी से घबरा रही हूँ सोच सोच के कि ये क्या करने वाली हैं, क्या पनिशमेंट देने वाली हैं, क्या करेंगी ऐसा, मुझे तो कसम से मेरी हालत ख़राब हो रही है अभी से सोच सोच के। तो शिखा कहती है अरे कुछ नहीं करेंगी टेंशन मत लो। तो रियाना कहती है हाँ लगेगा पता अभी थोड़ी देर में कि क्या करेंगी और क्या नहीं करेंगी, बस थोड़ी देर रुक जाओ, ज़्यादा टाइम नहीं थोड़ी देर बस। तो वो बोलते हैं कि अच्छा इतना क्यों डरा रही है, तभी अनिका बोलती क्या खुसर फुसर कर रहे हो तुम दोनों, हाँ। तो सीरत कहती है जाने दो ना ये इनको। तो अनिका कहती है तुमसे पूछा, तुमसे मैंने कुछ कहा, हाँ तुम लोगों को डांसर देखने ना तीनों को, मैं दिखाती हूँ, खाना तो खाया नहीं होगा तुम लोगों ने, तो भूखे पेट तो डांसर नहीं देख सकते हो ना तुम लोग, रुको वेट करो यहाँ बैठो, आज तुम्हारी खातिरदारी होगी अच्छे से,
बहुत अच्छी खातिरदारी होगी। तो ऐसे रियाना को और शिखा को दोनों को बिठा देती है वहाँ पे और कहती है यहाँ बैठ जाओ आराम से। तो दोनों बैठ जाते हैं। तो वो वेटर को बुलाती है एक और कहती है, क्योंकि पार्टी हुई रहती है तो खाना पीना वहाँ लगा ही होता है, तो कहती है जरा इधर आओ तुम। तो आता है तो कहती है यहाँ पे ना जितने आइटम हो सब चार चार प्लेट ला के यहाँ सजा दो टेबल पे। तो वेटर थोड़ी देर में जितने भी आइटम होते हैं वो सब ला के चार चार प्लेट रख देता है। तो जब रिहाना और शिखा देखते हैं तो कहते हैं अच्छा तो हम लोग यहाँ पे डिनर करने वाले हैं सब लोग, चलो चलो ये प्लान भी अच्छा है। तो अनिका बोलती है शिखा और रिहाना दोनों स्टार्ट हो जाओ, ये टेबल पे जितना खाना है ना ये तुम दोनों को ख़त्म करना है, ओके चलो फटाफट स्टार्ट हो जाओ। तो शिखा और रिहाना एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, कहते क्या? तो कहती हाँ ये जितना खाना टेबल पे रखा है तुम दोनों को पूरा खाना कंप्लीट करना है। तो कहती ये तो गलत बात है ना, गलती तो सीरत की भी थी और हम तो फिर भी सीरत के फ्रेंड हैं, तुम्हारी तो पार्टनर है उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो अनिका बोलती है उसको मुझे क्या पनिशमेंट देनी है वो मैं अभी बताती हूँ, लेकिन तुम दोनों की पनिशमेंट ये है कि ये पूरा खाना जितना है ये तुम ख़त्म करोगी। तभी शिखा के मुंह से निकल जाता कि यार मुझे मीठा पसंद नहीं है, मैं मीठा नहीं खा सकती, हटाओ इसे। तो अनिका को तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता है, कहती है मीठा नहीं पसंद ना, ये जितना मीठा यहाँ रखा है ये अकेले तुम ही खाओगी और चाहे जैसे खाओगी, समझ आया? तो रियाना तो चुपचाप खाने लगती है डर के मारे, क्योंकि उसे पता होता है अगर उसने ज़्यादा नानू की तो ये पनिशमेंट और बढ़ाती जाएगी। तो वो चुपचाप खाने लगती है, उसके टेबल उसके आगे जितना खाना रखा होता है वो खाना बहुत क्वांटिटी में होता है, एक अकेला पर्सन तो नहीं खा सकता। तब भी रियाना किसी तरह कोशिश करती है और खाने में जुट जाती है। शिखा भी फिर धीरे धीरे स्टार्ट करती है और उसका ओवरलोड होने लगता है और वो हाथ जोड़ लेती है अनिका के सामने, कहती है प्लीज़ माफ़ कर दो यार भाभी, माफ़ कर दो, अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी, अगर ये कभी कुछ कहेगी भी ना तो मैं आगे सबसे पहले आपको बता दूंगी, लेकिन अभी माफ़ कर दो यार, प्लीज़ माफ़ कर दो भाभी, नहीं खाया जा रहा। तो अनिका कहती है नहीं नहीं अच्छा चलो ये मत खाओ, ये मीठा तो तुम्हें ख़त्म करना पड़ेगा ना। तो कहती है मैं मीठा नहीं खा सकती, सॉरी मैं मेरे से मीठा खाया ही नहीं जाता। तो वो ऐसे कह के चेयर से उठने लगती है, तो अनिका उसके पास जाती है और उसे चेयर पे धक्का दे देती है, कहती है यहीं बैठो, यहाँ से कहाँ उठ के जाना है तुम्हें, यहीं बैठो चुपचाप। तो शिखा बोलती है भाभी ये तो जब, तो कहती है कहाँ ना यहीं बैठो। तो शिखा बोलती है यार ये तो तुमने यार, ये गर्लफ्रेंड तेरी है, हुक्म मुझ पे क्यों? तो कहती है हाँ भाभी तो तेरी भी है ना, हुक्म तो झेलना ही है। तो अनिका ऐसे सीरत की तरफ घूर के देखती है, कहती है बोल मत देना एक वर्ड, ठीक है मैं खुद जवाब दे लूँगी। और शिखा रिश्ता तो तुम्हारा मेरा भी है ना, नॉटी वाला रिश्ता, थोड़ी देर पहले मुझे बहुत परेशान किया जा रहा था है ना, तो अब तो तुम्हें ये खाना पड़ेगा, अभी तुम्हारा नया नया रिश्ता बना है ना शिखा। देखो रिहाना कितने प्यार से खा रही है, बिल्कुल भी कोई भी वो नहीं कर रही ना, भाभी तो मैं उसकी भी हूँ, देखो कितने प्यार से मेरी बात मान रही है और खा रही है, अब तुम भी शुरू हो जाओ। तो शिखा कहती है कि अरे मेरी बात तो सुन लो यार। तो अनिका कहती है यार यार नहीं भाभी बोलो भाभी। तो शिखा कहती है हाँ भाभी, लेकिन प्लीज़ बख्श तो मुझे, मुझसे मीठा बिल्कुल नहीं खाया जाता, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, मुझे वॉमिट होने लगती है। तो जो है वो कहती है अनिका हाँ हाँ मैं खिलाती हूँ ना, देखो आज मेरी इंगेजमेंट हुई है और खाना तो तुम्हें पड़ेगा। तो जैसे ही वो वहाँ से मीठे की कटोरी उठाती है और सबसे ज़्यादा मीठा जो इसमें होता है वो उठा के उसके मुँह में डालने को होती है रस मलाई, तभी जो है शिखा वहाँ से उठने लगती है, तो उठ के जैसे भागने लगती है तो उसकी शर्ट का कॉलर मतलब एक टी शर्ट टाइप कुछ पहनी होती है, गले स्टॉप होता है कुछ, तो उसका कॉलर ही अनिका के हाथ में आ जाता है और उसे ज़ोर से खींच के वहाँ बिठा देती है चेयर पे, कहती यहाँ बैठो। तो वो बोलती है शिखा ये तो साफ साफ गुंडागर्दी है भाभी, ये क्या कर क्या रही हो आप ये। तो अनिका बोलती है हाँ गुंडागर्दी होगी ना, हाँ
तुम लोग सारे के सारे हाँ कहाँ चले? डांसर देखने के लिए। नई डांसर आई है हाँ? और तुम्हारी गर्लफ्रेंड शिखा, उसको पता है इस बारे में कि तुम कहाँ जाने वाली थी? फोन करूँ मैं उसे बताऊँ? तो शिखा ऐसे हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती, कहती नहीं भाभी नहीं 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 मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज ये नहीं, आप उसे कुछ मत बताना। आ, 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 मीठा खाना ना, मैं खा लूँगी पूरा मीठा, ख़त्म कर दूँगी, लेकिन उसे कुछ मत बताना। और सीरत को देखते कहती तुमने इन्हें सब बता दिया? तो अनिका ऐसे उसका चेहरा पकड़ती है शिखा का और अपनी तरफ घुमाती है, कहती है इधर देखो इधर बात करो। वो मुझसे कुछ छुपा सकती हैं? अगर उन्होंने अब कुछ छुपाया ना तो उनका क्या हाल करूँगी मैं, ये तो तुम सोच भी नहीं सकती हो। तो फिर शिखा बोलती है हाँ आप उसको फ़ोन मत करना, आप जो कहोगी जैसे कहोगी मैं सब खाने को तैयार हूँ। तो अनिका एक एक करके जितना मीठा रखा होता है वो सब शिखा को खिलाती है और उसकी हालत ख़राब होने लगती है क्योंकि शिखा से वाकई मीठा नहीं खाया जाता बहुत ज़्यादा। तो उसको ऐसा लगता है वो वॉमिट कर देगी, तो वो चेयर से एकदम से खड़ी हो जाती है, कहती है बस भाभी बस एकदम ऊपर तक आ गया है, अब ज़रा सा भी खाया ना तो मैं वॉमिट कर दूंगी, गले से ऊपर आ गया है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, कहो तो आपको दंडवत प्रणाम कर लूँ, लेकिन मेरे से अब नहीं, मैं ज़िंदगी में ऐसी गलती नहीं करूँगी, मैं सीरत का साथ कभी दूंगी ही नहीं। वो कुछ भी गलती करेगी ना सबसे पहला कॉल मैं करूँगी आपको भाभी, सबसे पहला कॉल मैं करूँगी, आपकी लिस्ट में आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में सबसे ज़्यादा नंबर मेरे होंगे कॉलिंग पे, मैं आपको इसकी एक एक खबर दूँगी भाभी, लेकिन प्लीज़ मुझे बख्श दो, प्लीज़ मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। ये कह के वो अनिका के पैरों में गिर जाती है, कहती है बस बस भाभी बस, दंडवत प्रणाम कर देती है उसके आगे। तो अनिका उसे कहती है उठो, तो वो उठ के खड़ी होती है और जो है जैसे उठ के खड़ी होती है तो उसकी टी शर्ट पे काफ़ी कुछ लग जाता है ज़मीन से। तो अनिका जाके उसको साफ़ करती है और कहती है हाँ ठीक है, और आज के बाद ऐसी गलती कभी कर मत देना, नहीं तो डायरेक्ट फ़ोन पहले तुम्हारे गर्लफ्रेंड को जाएगा। और रिहाना तुम्हारा तो तुम्हारे लिए तो कोई है नहीं, तुम्हारे लिए तो मैं ही काफ़ी हूँ, तुम्हें तो मैं सुधार दूँगी, ऐसी हरकत आज के बाद सोची भी तुमने तो ओके। तो रियाना कहती जी भाभी पक्का। तो रियाना और शिखा कहते हैं अब इनकी बारी है ना, इनको तो कुछ बोलो। तो बोलती हाँ अब इनकी बारी है, अब इनकी बारी है, तो इनकी पनिशमेंट तो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए ना, क्योंकि ये तो तुम लोगों के सरदार है ना। हाँ तो सीरत कहती है वो अनिका प्लीज़ मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं था, तुम बात तो सुनो मेरी, ये इन लोगों ने ज़बरदस्ती की थी। तो कहती हाँ इन लोगों ने ज़बरदस्ती की थी, तुम छोटी सी बच्ची थी, तुम इनके बहकावे में आ गई और चल दी है ना, यही ना यही ना। तो कहती है नहीं नहीं मेरी बात सुनो प्लीज़। तो अनिका कहती देखो पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी, चाहे आराम से ले लो और चाहे जैसे। तो कहती है हाँ बोलो क्या पनिशमेंट है? कहती है पहली पनिशमेंट तुम्हारी ये है, ये जितने यहाँ बर्तन है ना ये सब तुम धोओगे। तो सीरत कहती क्या? तो अनिका कहती हाँ यहाँ जितने बर्तन है ये सारे तुम धोओगे। तो शिखा और रियाना दोनों हंसते हैं चुपचाप नीचे सर करके। तो सीरत उनके तरफ देखती है घूर के, इनका कहती है उधर मत देखो, यहाँ जितने बर्तन हैं ये सब तुम धोगे, और मोस्टली सारे बर्तन वैसे धुल चुके होंगे, अगर कुछ बचे हैं ना पेंट्री में उधर जहाँ इन लोगों ने खाना बनाया है वो सब कुछ तुम धोने वाली हो आज, ठीक है? उसके बाद इस घर की जितनी साफ सफाई होगी एक भी मेड यहाँ नहीं रहेगी, एक भी हाउस कीपर नहीं रहेगा, सब तुम करोगे। शिखा जब ये सुनती हो तो उसकी तो हालत ख़राब हो जाती है और रियाना से बोलते यार हम तो सस्ते में छूट गए ना। तो रियाना कहती है हाँ लेकिन सीरत अब भी तो गई। तो सीरत कहती है क्या कह क्या रही हो तुम, पूरे घर की सफाई मैं करूँगी अकेले, ये बर्तन अकेले मैं धोऊंगी? तो कहती है हाँ जी तुम ही धोओगी, डांसर देखनी थी ना तुम्हें और मैं खड़ी होके धुलवाऊंगी, देखूँ तुम्हारी कोई हेल्प ना कर सके। तो कहती है यार मुझे बर्तन धोने नहीं आते हैं। तो कहती है हाँ आ जाएंगे बेटा, आज से तुम्हें सब काम आ जाएंगे, आप टेंशन मत लो इस बात की।
कहते चलो स्टार्ट हो जाओ, अभी ये तुम्हारी फर्स्ट पनिशमेंट है। तो कहते फर्स्ट मतलब अब अभी और मिलेंगे। तो यार इतनी बड़ी तो मैंने गलती भी नहीं की है, अभी तो हम लोग गए भी नहीं थे, सिर्फ बात ही की थी। तो कहती हाँ बात करने की इतनी पनिशमेंट है तो तुम्हें सुधारना पड़ेगा ना, जिससे जाने की तो तुम फिर सोचो ही ना। तो अनिका ऐसे बोलती है और सीरत को, फिर बेचारी मजबूरी में कहती है यार प्लीज़ अनिका कुछ रहम कर लो। तो कहती है ठीक है रहम कर देती हूँ, या तो तुम इस घर की सफाई और ये बर्तन धो लो और या मेरे हाथों से फिर झाड़ू की मार खा लो। तो सीरत को वो झाड़ू वाली मार याद आ जाती है एकदम से, कहती है नहीं मैं ये बर्तन धो लेती हूँ, हाँ तुम मारना मत मुझे, मैं बर्तन साफ कर देती हूँ। तो वहाँ से बर्तन उठाती है बेचारी और सारे बर्तन ले जाती है, उसको साफ करती है, एक करके उससे साफ ही नहीं हो रहे होते, उसने कभी बर्तन धोए हो तब ना। तो अनिका वहाँ मास्टर बन के खड़ी होती है और उसे जो है एक एक बर्तन साफ करना सिखा रही होती है कि इसको ऐसे साफ करना है, इसको ऐसे साफ करना है, और उससे सारे बर्तन धुलवाती है। सीरत की तो हालत खराब हो जाती है भाई, उस बंदी ने कभी काम ही नहीं किया होता घर का, उससे इतने बर्तन, इतने सारे बर्तन धुलवाओगे तो क्या होगा, यही होगा ना। उसके बाद सब लोग वहाँ से ऑलरेडी जा चुके होते हैं और जो स्टाफ मेंबर होता है वो भी फिर वहाँ से चला जाता है, कहता है मैम ये जो है काफ़ी रात हो चुकी है और यहाँ की साफ़ सफाई हम लोग सुबह आके कर देंगे। तनिका बोलती है हाँ हाँ आप जाइए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप लोग जाइए। तो लोग चले जाते हैं, तभी उनकी मॉम दोनों बाहर से घूम के अंदर आ जाती हैं, कहती हैं चलो चलो सब लोग सो जाओ। तो कहती है कि हाँ बस अभी जा रहे हैं, अभी सोएंगे थोड़ी देर में। तो सिर्फ कहती है अम्मी मुझे ना बहुत नींद आ रही है और मेरा मन है मैं आज आपके साथ सो जाऊं, तो क्या मैं सो सकती हूँ। तो दोनों मॉम्स जो होती है वो एक दूसरे की तरफ देखती हैं और पास में ही होते, तो कहती हैं सीरत को क्या हो गया, वैसे तो ये अनिका के साथ साथ रहती है, आज ये कह रही है मेरे साथ सो जाए, क्या हुआ, क्या कुछ हुआ है क्या। तो वहाँ पे शिखा और रियाना खड़े होते हैं, तो वो उनको अपनी तरफ बुलाती हैं, दोनों जाते हैं तो कहते हैं क्या हुआ इसको, मेरे साथ क्यों सोएगी। तो दोनों हंस पड़ते हैं, तो कहते हैं क्या हुआ बताओ। तो वो धीरे धीरे सारी बातें बताते हैं, कहते हैं ये ऐसे ऐसे हो गया था और अब इसे पनिशमेंट मिली है पूरे घर की सफाई की, अभी बेचारी बर्तन धो के आ रही है और अभी आगे और पनिशमेंट मिलने वाली है। तो सीरत की मॉम एकदम से हंस पड़ती है, कहती है सही हुआ इसके साथ डांसर देखना था, और तुम लोगों की करामात है ना, ये फंसा दिया ना तुमने उसको। तो जो है वहाँ से हंसने लगते हैं, फिर अनिका की जो मॉम होती है वो अनिका से बोलती हैं क्या चल रहा है अनिका, हाँ तुम कुछ ज़्यादा जो है उस पर जुल्म नहीं कर रही हो, बस हो गया बहुत, चलो अब यहाँ से, समझ आया। तो सीरत की मॉम कहती है अरे ये बच्चों का मैटर है ना, बच्चों को सलटने दो, बच्चों को समझने दो, हम और आप क्यों बीच में पड़े। तो सीरत की जो एक थोड़ी सी उम्मीद जगी होती है पनिशमेंट से बचने की, वो भी तुरंत खाक में मिल जाती है। और सीरत की मोम अनिका की मोम का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाती हैं, सॉरी उन्हें वहाँ से ले जाती हैं और अंदर लाती हैं। तो अनिका की मोम बोलती हैं अरे आपने ऐसा क्यों कहा, सीरत को कितना काम करवाएगी वो पता है। तो कहती है देखिए ये बच्चों का मैटर है और अनिका उसकी पार्टनर है, ठीक है, अगर सीरत ऐसा कुछ कर देती और बाद में अनिका को पता चलता तो उसे और ज़्यादा हर्ट होता ना, तो इतनी नोकझोंक ना चलनी चाहिए लाइफ के अंदर। और ये पनिशमेंट नहीं है, ये अनिका का प्यार है, उसे सुधारने का एक तरीका है जो वो इस तरह से दिखा रही है, उस पर अपना हक जमा रही है। और सीरत को भी ना अभी लग रहा है वो, लेकिन जब अपने प्यार के हाथों कोई ऐसी प्यारी प्यारी सी पनिशमेंट मिलती है ना तो दिल को सुकून ही मिलता है और कुछ नहीं। वो अभी उसे काम करना पड़ रहा है इसलिए उसे तकलीफ हो रही है, लेकिन जब कल को परसों को वो इस चीज़ को सोचेगी ना तो उसे हंसी भी आएगी। और दूसरी चीज़, इन पनिशमेंट को ध्यान में रखते हुए ऐसी हरकत दोबारा तो नहीं सोचेगी। और अभी ये जहाँ तक मैं अनिका को समझ पाई हूँ, खैर आप तो उसकी मॉम है, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ अनिका इतने सस्ते में उसे छोड़ेगी नहीं, अभी उसकी बहुत बुरी हालत करेगी वो।
तो कहती है और आपकी बेटी है वो, और आप कुछ नहीं करेंगे। कहती है हाँ मेरी बेटी है मैं मानती हूँ, लेकिन अब अनिका का हक उस पे मेरे से ज्यादा है, वो पार्टनर है उसकी, और उसकी हंसी हंसी का खुशी का ख्याल वो मेरे से ज्यादा रख सकती है, और ये मैंने देखा है। इसीलिए मुझे फिक्र नहीं है, अनिका जो करेगी सीरत के लिए अच्छा करेगी, जैसे करेगी वो भी अच्छा करेगी, मुझे अनिका पे पूरा भरोसा है। तो बच्चों का मैटर है, बच्चों को सुलझाने दीजिए, हम क्यों बीच में पड़े। ये कह के फिर वो लोग रूम में ही अपना टीवी वगैरह देखने लगते हैं, और इधर जो है अनिका कहती है सीरत चलो तुम्हारी ये जो बेवजह सी कोशिश थी ना ये तो बेकार हो गई, अब तुम फटाफट स्टार्ट हो जाओ जल्दी से। तो सीरत बेचारी पूरे घर की सफाई अकेले करती है, एक एक घर का कोना अनिका उससे साफ करवाती है, एक एक सामान जगह पे रखवाती है, और उसकी बैंड बजा देती है बहुत बुरी तरीके से। सीरत बिल्कुल थक के चूर हो चुकी होती है, उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा होता, और कहती है अनिका प्लीज आई एम रियली रियली सॉरी, आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं होगी, ऐसी चीजें मैं कभी नहीं करूंगी, आई प्रोमिस यू। तो एकदम थक के चूर हो चुकी होती है, लेकिन अनिका को उस पर बिल्कुल तरस नहीं आ रहा होता, बल्कि उसे और उस पर गुस्सा आ रहा होता है। किसने सोचा भी कैसे कि ये वहाँ जाएगी वो भी डांसर को देखने, अरे ये पार्टी करने जाती है ऐसे ही एंजॉय करने जाती तो शायद मैं इसे जाने देती, लेकिन नहीं इन्हें तो डांसर देखने जाना था। अब तो भुगते अच्छे से भुगते हैं ये, तो ऐसा बोलती है, और सीरत बेचारी इतना थक चुकी होती है, वो माफ़ी मांग रही होती है उससे, लेकिन अनिका उसको माफ़ नहीं करती बिल्कुल भी, कहती है जल्दी जल्दी करो जल्दी जल्दी इतना टाइम नहीं है। बेचारी सीरत हमारी किसी तरीके से वो सारा काम फिनिश करती है, और रियाना और शिका उसकी हालत देख के बहुत परेशान हो जाते हैं, वो भी कहते हैं अच्छा है ना हमारी गर्लफ्रेंड ऐसी नहीं है। तो रियाना कहती है हमारी का क्या मतलब है, तुम्हारी नहीं है ऐसी, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं स्ट्रेट हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड है। मेरा बॉयफ्रेंड है, समझ में आया, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो कहती है हाँ हाँ समझ गई मैं, मेरी गर्लफ्रेंड मतलब इतनी ज्यादा टाइट नहीं है, है तो वो भी कम नहीं है लेकिन ठीक है इतना नहीं है। तो कहती है अच्छा लेकिन अभी हमारी सीरत अप्पी का क्या होगा। तो फिर शिखा कहती है वही होगा जो मंजूर है अनिका होगा और क्या होगा। तो फिर ये दोनों कहते हैं अनिका हम सोने जाएं प्लीज, नींद आ रही है हम लोगों को। तो अनिका कहती है हाँ जाओ तुम लोग। तो सीरत कहती है कहाँ जा रहे हो तुम लोग मुझे ऐसे छोड़ के। तो अनिका बोलती है तुम्हारे साथ मैं हूँ ना, उन्हें जाने दो। तो वहाँ से दोनों चले जाते हैं, और सीरत से सब सफाई करवाती है एक एक करके, और सीरत बिल्कुल थक के चूर हो जाती है, कहते है यार हो गई सारी और कुछ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मैं ऐसी गलती जिंदगी में नहीं करूँगी, अब माफ कर दो यार प्लीज प्लीज। और ये कहते कहते वो वहीं ज़मीन पे बैठ जाती है, दोनों पैरों को मोड़ के वहीं जमीन पर बैठ जाती है। अनिका जब उसकी तरफ देखती है कहती है हो गया तुम्हारा, खड़ी हो यहाँ से। सीरत कहती है नहीं खड़ा हुआ जा रहा, बहुत बहुत थक चुकी हूँ, तुमने बहुत काम कराया आज मेरे से, इतनी छोटी सी गलती वो भी ऐसी गलती जो मैंने की नहीं है, उसकी इतनी बड़ी सजा कौन देता है यार, इससे अच्छा था तो तुम मुझे झाड़ू से मार ही लेती, कम से कम आराम तो कर रही होती ना मैं इस समय, तुमने तो इतना काम करवा लिया यार हद हो गई। तनिका बोलती है खड़ी हो अब यहाँ से। सेहत कहती है बैठने दो ना थोड़ी देर। तनिका कहती सुनाई नहीं दे रहा अभी कुछ और। तो कहती है नहीं नहीं उठ रही हूँ उठ रही हूँ। फिर वो वहां से उठती है किसी तरीके से दीवार वीवार पकड़ के, क्योंकि वो बहुत थक गई होती है। तो अनिका उसको थोड़ा सा सपोर्ट करती है और उसे रूम में लेके जाती है, और रूम में बेड पे बिठाती है, कहती है यहाँ बैठो। तो सीरत कहती है हाँ मैं सो रही हूँ। तो कहती है अभी जाके फ्रेश हो के आओ पहले।
तो सीरत बोलती है नहीं फ्रेश बाद में हो जाऊंगी, बहुत थकी हुई हूँ। तो कहती मैंने कहा ना फ्रेश हो के आओ, समझ में नहीं आ रहा, वैसे भी यहाँ तो तुम्हें सोना नहीं है ना। तो सीरत एकदम से जैसे होश में आ जाती है, एक्टिव हो जाती है, कहती क्यों नहीं सोना मुझे यहाँ पे, किस लिए नहीं सोना मुझे यहाँ पे, ज़रा ये बताओ। तो अनिका बोलती है तुम्हें तो अपनी मॉम के पास सोना था ना आज, तो जाओ मॉम के पास, वहाँ सो, है ना। तो सीरत कहती है कि आज तो हमारी इंगेजमेंट हुई है ना, तो मैंने वो पनिशमेंट से बचने के लिए भी ऐसे ही बोल दिया था ना, तुम तो इतना सीरियस क्यों हो रही हो, मैं मजाक कर रही थी, ऐसे नहीं करते ना, सॉरी, देखो मैं बस अभी फ्रेश होके आई, बस 2 मिनट दे दो, मैं अभी फ्रेश होके आई। तो वो उठती है वहाँ से जैसे उसकी सारी थकान ही मिट चुकी होती है, और वो फटाफट जाती है, फ्रेश होती है, अपना नाइट गाउन भूल जाती है बाहर ही। तो कहती है यार मेरा नाइट सूट दे दो प्लीज़। तो अनिका कहती है अपने आप आके ले लो। तो कहती है यार दे दो ना प्लीज़। तो फिर अनिका उसका नाइट सूट निकालती है, वो ब्लू कलर का होता है, और ला के उसको दे देती है। तो सीरत ऐसे उसका हाथ पकड़ लेती है जब वो नाइट सूट उसका पकड़ा रही होती है। तो अनिका कहती है हाथ छोड़ो मेरा। तो सीरत कहती है ऐसे कैसे छोड़ दूँ जान, आज ही तुम्हारी इंगेजमेंट हुई है और अब तो तुम पूरी मेरी हो ना। हाँ तो कहती है मैंने कहा ना हाथ छोड़ो, मुझे भी फ्रेश होना है, जल्दी बाहर निकलो। तो कहती है तुम्हें फ्रेश होने की क्या ज़रूरत है, तुम तो इस घर की मालकिन हो, काम तो तुमने किया नहीं कुछ, मजदूर तो तुमने मुझे बना रखा था, तो तुम तो वैसे भी बहुत खूबसूरत लग रही हो, तो तुम्हें फ्रेश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बहुत सुंदर लग रही हो और तुम्हारी ये जो खुशबू है ना ये मुझे मदहोश कर रही है। तो अनिका कहती है हाँ गेट के पीछे से बाथरूम में घुस के तुम्हें मेरी खुशबू मदहोश कर रही है, फटाफट फ्रेश हो और बाहर आओ। तो वो उसे और परेशान करती है सीरत। अनिका कहती है तुम लग रहा है अभी कि पनिशमेंट भूल चुकी हो। तो सीरत उसका हाथ छोड़ देती है और कहती है नहीं बस मैं अभी आई। तो फटाफट जो है वहाँ से रेडी होती है और बाहर आती है। और जब वो बाहर आती है तो अनिका ऐसे बहुत सेक्सी स्टाइल में बेड पे बैठी हुई होती है। तो सीरत उसको देखती है और उसके पास जाती है और ऐसे उसके फोटो पे किस करने वाली होती है। तभी अनिका उसको ऐसे रोक देती है और पीछे की तरफ धक्का देती है, कहती है वहीं रुको, प्यार चाहिए। हाँ तो सीरत कहती है हाँ ना बहुत चाहिए, इतना चाहिए कि हद से ज़्यादा चाहिए, हद इतनी होनी चाहिए कि कोई हद ही ना हो, वो हद कभी कोई तय ना कर पाए, इतना चाहिए। तो अनिका फिर उसको कहते इधर आओ। तो सीरत ऐसे उसके पास जाती है। तो अनिका उसको कहते हैं यहाँ बैठो ना बेड पे। तो सीरत बहुत जल्दी ऐसे कूद के बेड पे बैठ जाती है घुटनों के बल अपने। तो अनिका ऐसे उसका गर्दन में हाथ डालती है, दोनों हाथ अपने दोनों बाएं उसकी गर्दन में डालती है और उसको अपनी तरफ खींच लेती है अपने ऊपर और कहती है जान। तो सिर्फ बोलती है हाँ ना बोलो बेबी। कहती है डांसर देखने जाना था। तो कहती है नहीं बेबी गलती हो गई, अब कभी नहीं, और तुमसे पूछे बिना ना कभी कुछ नहीं करूँगी, पक्का वाला प्रॉमिस है ये, पिंकी प्रॉमिस। तो कहती है हाँ हाँ बेबी ठीक है, तुम्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ ना, बहुत अच्छी बात है। और ऐसे कहते हुए उसके गालों पे ऐसे हाथ फेर रही होती है अपने और उसके गर्दन पे। तो सीरत कहती है हाँ ना जान गलती हो गई ना, अब तो नहीं होगी ऐसी गलती कभी, तो अब कुछ नोटी नोटी कुछ मस्ती मस्ती हो जाए, कुछ कडलिंग शडलिंग। तो कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं बिल्कुल होगी, बिल्कुल कडलिंग शडलिंग सब होगी सब, आप ज़रा इधर तो आइए मेरे पास। तो ऐसे खींचती है उसे और कहती है अब मैं तुमसे कुछ कहने जा रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। तो कहती है हाँ बोलो क्या सुनना है। तुम्हारा तो हुक्म सर आँखों पर है मेरी जान,
तुम जो कहोगी वो होगा, बस तुम हुक्म तो करो। तनिका कहती है कि पक्का ना, तो कहती है हाँ पक्का। तो अनिका ऐसे उसे नीचे की तरफ धक्का देती है बेड पे, और खुद उसके ऊपर आ जाती है और उसके नेक पे ऐसे अपने हाथ चलाती है, उसके फेस पे अपने हाथों को फिराती है और कहती है कि जानू एक पनिशमेंट और है आज की, बाकी पनिशमेंट कल देखेंगे लेकिन आज रात की एक पनिशमेंट और है। तो सिरत कहती नहीं जान, देखो तुमने इतनी पनिशमेंट दी ना, मैंने कुछ नहीं कहा ना, मैंने किया सब माना, अब और पनिशमेंट नहीं, बस बहुत हो गया, बस ना अब नहीं यार बहुत हो चुका। तो कहती है देख लो तुम्हें प्यार चाहिए मेरा या नहीं चाहिए, ठीक है अगर तुम नहीं चाहती हो तो ओके फाइन बाय। तो कह के उठने लगती है, तो सिरत कहती है नहीं 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 चाहिए चाहिए, बताओ क्या पनिशमेंट है। तो अनिका वहां से नोट पैड और पेन उठाती है और उसको देती है। तो सिरत कहती है क्या शायरी लिखनी है, वो तो मैं ऐसे बोल देती हूँ तुम्हें। तो अनिका बोलती है ना 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 शायरी नहीं लिखनी बेबी, इस पे लिखो 2,500 बार आई लव यू अनिका, और मैं तुमसे बिना पूछे कुछ नहीं करूंगी, ये लाइन तुम्हें 2,500 बार इस नोट पैड पे लिखनी है, समझ में आया। तो सीरत कहती है 2,500 बार पूरी रात बीत जाएगी। तो अनिका कहती है मुझे नहीं पता, लिखो इस पे 2,500 बार तभी मैं तुम्हें अपने आप को छूने दूंगी, अदरवाइज तो मैं तुम्हें छूने नहीं दूंगी चाहे जो हो जाए। और अगर तुमने ये पनिशमेंट पूरी नहीं की तो फिर आज से और आने वाले 1 हफ्ते तक तुम मुझे हाथ भी नहीं लगा सकती हो। हाँ मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती हूँ लेकिन तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकती, बताओ तुम्हें मंजूर है, तो मत लिखो कोई बात नहीं। तो सीरत कहती है नहीं 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 मैं लिखती हूँ मैं लिखती हूँ। तो लेकिन ये 1 हफ्ते वाली पनिशमेंट नहीं चाहिए मुझे, मैं लिखती हूँ मैं लिखती हूँ सब। तो बेचारी लिखने बैठ जाती है, अब देखते हैं दोस्तों वो कंप्लीट कर पाएगी उस टास्क को कि नहीं, या 1 हफ्ते की उसे पनिशमेंट और भुगतनी पड़ेगी। हाय मेरी सीरत क्या कर लिया यार ये तुमने, थोड़ा तो कंट्रोल करती तो आज ये पनिशमेंट नहीं मिलती ना तुम्हें। तो देखते हैं दोस्तों अब सीरत का आगे क्या होगा, ये तो आगे आने वाले पार्ट में पता चलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।